नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको RRB, ALP, ग्रुप डी, रेलवे, इन सब के GS के क्वेश्चन बताऊंगा। और ये पांचवा सेट है हम लोग का, नहीं छठा, लगभग छठा सेट है ये। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं, एक क्वेश्चन का, उन क्वेश्चन का विथ आंसर्स की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप हमें फेसबुक ग्रुप या पेज पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के ये क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आज का, मतलब इस पहला वीडियो इसका बना चुका मैंने, तो ये फिर 26 से मतलब 25 तक उसने बता दिया था, तो ये 26 से फिर स्टार्ट हो रहा है, वो 50 तक जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं, तो ये जो कौन, मतलब इन चारों में से कौन से हैं व्यापारिक रूप से सूती रेशे, इन चारों में से कौन है। अगर मतलब इसमें आप जितने भी क्वेश्चन आप अपने तरफ से सही कर रहे हैं बिना मेरे आंसर बताए, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। मतलब इन 25 क्वेश्चनों में से आपके लगभग 20 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है आंसर आपका है बी नंबर, बीजों के अधिचर्मी रोम ये होता है महत्वपूर्ण सूती रेशे, इन्हीं से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण हरमन होलेरिथ ने अपनी टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है टेबुलेशन इंजन। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, अनंत, शून्य, शून्य से अधिक, शून्य से कम। तो ये आपका आंसर है डी नंबर, शून्य से कम। अगला प्रश्न है आपका, सेकेंड लोलक की प्रकाश का वेग क्या होता है, मतलब प्रकाश का वेग कितना होता है। तो एक दिया 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3×8 मीटर पर सेकेंड मील पर सेकेंड, और 3×8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है 3×8 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि होती है 1 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड। तो इसका आंसर है 2 सेकेंड। सेकेंड लोलक से 1 सेकेंड आप मत लगेगा, क्योंकि इसकी राइट आंसर है 2 सेकेंड, 1 सेकेंड जाने में, 1 सेकेंड आने में, पूरी मतलब जो इसकी समय अवधि होती है 2 सेकेंड। अगला प्रश्न है, एक जग में ऊपरी किनारे तक पानी 0°C पर भरा है जिसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जिस क्षण बर्फ पिघलती है तब क्या होगा। देखिए जिस क्षण बर्फ पिघलेगी तो उससे पानी के मतलब कि आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही पानी बढ़ेगा ना ही घटेगा, उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और क्रीज, ऑक्सीजन और नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, ऑक्सीजन और नमी। अगला प्रश्न है, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से इसके कारण है। देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपका आंसर है डी नंबर, प्रभावित क्षेत्रों में भाव में जल का अधिक अति शोषण, मतलब प्रभावित जिन क्षेत्रों में जल की कमी है वहाँ पे लोग अंदर से मतलब भूमि के अंदर काफ़ी नीचे तक गहरी खाई खोद खोद के जमीन अंदर से मतलब बिल्कुल अंदर से जहाँ पे पानी कम है वहाँ से मतलब पानी निकाल रहे हैं, तो वहाँ से आर्सेनिक भी जो होता है पृथ्वी के अंदर वो भी उस पानी में आता जाता है, और फिर वही पानी वो पीते हैं, इसी से उनमें आर्सेनिक की समस्या मतलब आर्सेनिक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न आपका, अम्ल वर्षा इसके कारण होती है। देखिए अम्ल वर्षा इन चारों में से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है, तो ऑप्शन इसका आंसर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो है ग्रेफाइट, सभी जानते हैं ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है और उसे पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लेषित रसायनों का प्रयोग किया जाता है, शामिल किया जाता है, वह कौन सी शाखा है? सभी जानते हैं, सभी आजकल दवाई खाते हैं, एलोपैथी जो दवाई होती है उसमें रासायनिक यौगिकों का ही सम्मेलन होता है। अगला प्रश्न है, रोमांसिक विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो है देवानंद। सभी जानते हैं ब्लैक सूट इनको पहनना बैन कर दिया गया था। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया था? चार ऑप्शन दिए हैं, इन सभी में से सी ऑप्शन एप्रोप्रिएट है, ये सही ऑप्शन है आपका। अगला प्रश्न है, गीत और नृत्य द्वारा अपनी जीविका उपार्जित करने वाली एक दक्षिण राजस्थानी जनजाति है, माया, मूर, खासी, गरासिया। गरासिया जो जनजाति है ये नाच गा के अपना मतलब जीविकोपार्जन करती है। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो केवेंडिस ने हाइड्रोजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है? तो अपने हैं गंगा का डेल्टा, बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। स्तंभों के कटे अंतों से जल का अवशोषण किस सिद्धांत का खंडन करता है? तो ऑप्शन है आपका, स्तंभों के खंडों से कटे, स्तंभों के कटे अंतों से जल का अवशोषण किस सिद्धांत का खंडन करता है? तो है चार ऑप्शन में से एप्रोप्रिएट आंसर है आपका मूलीय दाब सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन आपको लग रहा होगा लेकिन यह आपका आंसर बिल्कुल गलत है, इसका आंसर सही आंसर है बिंदु स्राव। अगला प्रश्न है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो यह है विशाखा दत्त। अगला प्रश्न है, विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो है गया में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म जिरदाई बिहार के किस जिले में हुआ था? तो है सारण। आखिरी प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का संगठन मतलब संगठन कहाँ पर स्थित है? तो यह है बेंगलोर। ये आपके आंसर शीट यहाँ पर मैंने दे दी है। दोस्तों ये अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।